राजयोग से चला, अब या तो राजयोग में हठ योग मिल जाएगा या अकेला हठ योग हो जाएगा, लेकिन गंगा को अविरल और निर्मल करके रहूंगी। आज मैंने शीशा मुख में देखा, 14 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज गिराने वाला नाला मुझे अपना दुश्मन लगता था। ये मुझे सपनों में आता था और मेरे सीने में बहता था और ये मुझे लगता था कि इस दुश्मन को मैं कौन से तोप के गोले से उड़ाऊँ। जब जब मैं आती थी, और पूरी दुनिया में जो हमारी बदनामी होती थी गंगा जी को लेके, उसमें शीशामऊ का नाला ही है जो दिखाया जाता था मुख्यतः। शीशामऊ के नाले को हमने ट्रीट किया, पुराने के ऊपर नया एडिशन करके फिनिशिंग टच करके उसको किया है, और आज मैंने उस नाले को जीरो डिस्चार्ज पे देखा है। आज शीशामऊ का नाला देखने के बाद ही मैंने तय किया था, इसलिए आज मैं पहली बार सिद्धनाथ का अभिषेक करने गई। सिद्धनाथ का छूट जाता था क्योंकि उधर को है, आज मैं पहले सिद्धनाथ के गई और मैंने सिद्धनाथ को ही कहा कि बाबा अब आज शीशामऊ का नाला देखूंगी मैं और फिर समझूंगी कि वास्तव में गंगा को निर्मल करने के लिए और क्या क्या शेष रह गया है। घाट भी बन गए, मैंने घाट भी देख लिए, बहुत सारे घाटों के मैंने उद्घाटन भी कर दिए। मैंने कहा ना, नितिन जी ने कहा कि तुम ही मंत्री हो, यही सोच के तुम काम किया करो गंगा पे।